और ये देखिए कल रात को बिकू ने खाना खाया, ये कढ़ाई धो के रखा था और राइस भी खाए थे, बस थोड़ा सा राइस ही है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि कल हम लोगों ने बताया था, तो भैया आए आके काम वाम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भैया बोल रहे कि आज तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, दो दिन कम से कम लग जाएगा। अभी जैसे हम लोग उठे और ये सब बिस्तर बिस्तर लगाना है और ब्रेकफास्ट रेडी करना है। चाय पीना है तो फिर मैं चाय बना रही हूँ, खाली चाय भी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में आराम से बना रही हूँ, थोड़ा एक घंटा टाइम लेके। और हम लोगों के घर में ब्लैक पेपर बहुत चलता है, देखिए मैं ऐसे ब्लैक पेपर को पीस के रख देती हूँ मिक्सी में, सब में, चाय में हो, अंडा पोच में हो, खाने में हो, ब्लैक पेपर बहुत काम में आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है ब्लैक पेपर। तो चाय बना के दे देती हूँ, भैया को भी दे देती हूँ और दीपू को भी दे देती हूँ, खा लें, पी लेंगे उन लोग, खा लेंगे नहीं पी लेंगे। ठंड के दिन में ये बेडरूम के उस साइड में जो खिड़की है वहाँ से इतना सुंदर धूप आता है ना, पूरा बिस्तर में धूप गिरता है, बहुत अच्छा लगता है जब विंटर सीजन में। स्पेशली आपका मैं बिस्तर के ऊपर जो ये खिड़की ऐसे खोल देती हूँ, पूरा बिस्तर धूप से कितना अच्छा लगता है और पूरा मैट्रेस के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नहा धो के आके मॉर्निंग नहा लेते हैं विंटर सीजन में, तो आके यहाँ पे बैठ के फ्रूट्स खाते कितना अच्छा लगता है। अभी और इस साइड में धूप आना स्टार्ट हो गया क्योंकि अक्टूबर का महीना है और बस धूप आना स्टार्ट हो गया, पूरा बिस्तर में धूप वो करते। तो गाइज मैंने बिकू को और भैया को चाय बना के दे दिया, उन लोग चाय पी रहे हैं, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाऊंगी और आटा वाटा लगा के रख देती हूँ, जब खाना हो मैं बना लूँगी। और बस आज आप लोगों से पूरा दिन बात होते रहेंगे ऐसे, तो सोच रही हूँ कि मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस और अभी मैं क्या बोल रही थी, दीपावली आ रहे हैं और बस हम लोग सोच रहे कि उस वाल तो मतलब काम जब कर रहे हैं, रंग का काम करने से तो कलर तो चारों तरफ लगेगा ही ना, तो क्या ऑलरेडी तो गंदा हो ही जाएगा, तो एक ही बार से वहाँ से साफ़ करते करते हम अंडर रूम अंदर वाले रूम सब में आ जाएंगे। तो वही है, तो बिकू का भी फेवरेट फेस्टिवल दीपावली है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों के घर में दो आपका फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है, दीपावली एंड ईद। तो बस हम लोग एंजॉय करते हैं, बाकी होली, हाँ होली में भी अच्छा ही लगता है हम लोगों को, बाकी सब तो बाहर जाके ही एंजॉयमेंट हो जाता है, बस वही है।
चाय वाय पी लिया, उसके बाद बोला मेरे को आज ब्रेकफास्ट नहीं करना हैवी वाला, क्योंकि एक ही बार में खाना खा लेंगे। तो कुछ 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 काम चल रहा है पीछे, तो ऐसे ऐसे है एकदम मेरा सर में लग रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं क्या कर रही हूँ, दाल बनाने वाली हूँ और सब्जी काट लिया, भिंडी आलू सब्जी भाजी बनाऊँगी, उसके बाद एक सब्जी खाली लौकी भाजी का ये बनाऊँगी। और मैं एक ही बार में बना रही हूँ, रात के लिए भी और दिन के लिए भी। और दिन में ये सब्जी रोटी के साथ खा लेंगे, उसके बाद दिन में भात के साथ और दाल के साथ। ताकि आके पी सके, घर के अंदर रहने से पता नहीं चलता इतना गर्मी का, बाहर आज बहुत धूप है। थोड़ा सा नींबू पानी बना के रखती हूँ, सोचा से यहाँ पे मैं ठंडा पानी मिक्स कर दूंगी। देखिए मेरा हालत, पसीना, गर्मी, किचन में थोड़ा ज़्यादा गर्मी है। तो क्या हुआ, कितना काम हुआ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आपका पुटिंग का काम हो गया, ये सब जहाँ जहाँ वॉल डैमेज हुआ है सब पुटिंग का काम हो गया है। यहाँ पे वाइट पुटिंग लगाया है। और इस वॉल में देखिए, इस वॉल में खाली क्या हुआ, जितना भी टूटा हुआ था सब निकाल दिया, कलर वाला ये वाला जो टूट गया था ये सब अच्छे से निकाल दिया, पूरा साफ हो गया। इसका अभी पुटिंग का काम बाकी है। भैया बोला ये वॉल और ये वॉल आज पुटिंग में ही चला जाएगा, उसके बाद इसको कम से कम सूखने के लिए टाइम चाहिए। सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और देखिए मैं मॉर्निंग दिखा नहीं पाया, सामान सब के ऐसे रख दिया मैंने सोफ़ा वोफा, क्योंकि ये सोफ़ा अंदर भी मैं रख सकती हूँ, लेकिन अंदर वाला ये जो यहाँ है ना कॉरिडोर से थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंदर वाला रूम के लिए। तो बस यहाँ पे सामान सब ऐसे बेडशीट डाल के मैंने रखा है। तो हम लोग जैसे सोचे थे कि कल हम लोग बात कर रहे बिकू और मैं कि आगे रूम में ये सब ये वॉल में काम चलता रहेगा और हम लोग ये वाला और किचन वाला और ये वाला रूम का साफ़ सफाई स्टार्ट कर देंगे, एक ही बार में साफ हो जाएगा। लेकिन जो देख रही हूँ ना अभी, मतलब काम करने लायक हालत नहीं है। ये इसका पुटिंग जब लग जाएगा, मतलब वॉल का जो ये सब पुटिंग लग जाएगा, जब सूखेगा कल ही हम लोग संडे को ही हम लोग ये काम कर पाएंगे, क्योंकि ये करते करते ही टाइम पूरा, ये देखिए 1:30 बजने वाला है अभी। वो भैया गए हैं अभी ये काम करके खाना खाने, क्योंकि हम लोगों के घर का पास ही वो रहते हैं। तो आज कोई भी घर का साफ़ सफाई काम नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे थे कि आगे वाला जो ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ निकालेंगे, साफ़ करेंगे, वॉल वॉल साफ़ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और कर्टेन जो है मैंने आज नहीं निकाला है, पूरा कलर करा, कंप्लीट हो जाएगा कल, जब कलर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक कर्टेन वर्टेन निकाल के कल ही डाल दूँगी मशीन में और रात को सूखने के लिए लगा दूंगी, ऊपर ही सूखता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे से पहले सब कुछ साफ़ सफाई काम में घर का काम वाम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद बर्थडे के बाद थोड़ा सा चील करूँ, आराम करूँ। तो क्या हुआ, सामान सब मिल गया? ये रंग है, ये सब सब्जी लिया थोड़ा सा। और ये क्या है हाथ में? कोबरा। ओ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आया नहीं तुम्हारा बर्थडे? आया नहीं।
पता है। और आप लोगों को बोला ये है क्या कलर? इसके अंदर सब कुछ है। अच्छा प्राइमर लाने दिया था? लाया कुछ है। और फूल गोभी भी लेके आए? ले आए। और चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा सुनो ना, उसने बोला कि ये आज पुटिंग में ही सारा टाइम चला जाएगा, उसके बाद कल ही कलर का काम हो जाएगा। तो बोला अभी क्या कि खाना खाने गए हैं। ये सब मैं अभी करेगा? हाँ नहीं नहीं ये सब का निकाल दिया, पूरा जबरा निकल के यहाँ पे गिर गया था, फिर उन्होंने खुद साफ सफाई करके एक बोरी में, और नहीं नहीं बोरी इधर ही रखा है उन्होंने, क्योंकि और गंदगी निकलने से और फिर होगा। तो फिर वो खाना खाने गए हैं, तो बोला मैं आता हूँ, आके पुटिंग फिर इस वाल में करना है। इस वाल का ख़त्म हो गया क्योंकि टाइम लगेगा हम लोगों का पुटिंग में ही, समझ रहे हो, क्योंकि सूखना है। तो वही है, और ये सरप्राइज। थैंक यू बेबी। छोटी हो बड़ी हो ये सबसे छोटा? अच्छा सॉरी आपको पता ही है मेरा हिंदी। तो छोटा हो बड़ा हो गिफ्ट ही होता है, और ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, और ये सभी पत्नी लोग अच्छा पाता है छोटा गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, ये प्यार है, ठीक है? ये भी तुम्हारे लिए फूल। अच्छा तो मुझे मिल गया, ये तीसरा वाला गिफ्ट है, और सेकंड वाला जो गिफ्ट था वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, पता नहीं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। मेरे को एक कॉफ़ी मग दिया है, तो बस अच्छा लगा छोटा। कोई बात नहीं, ये सबसे प्यार बढ़ता है ना। नींबू पानी बनाया? वेरी गुड। पियोगे? हाँ, बहुत। चलो इसमें अभी ठंडा पानी मिक्स कर देने से हो जाएगा। अंधेरा है इधर क्योंकि मैंने दरवाज़ा सब लॉक करके रख दिया था, क्योंकि ये जो साफ सफाई धूल ये सब उड़ रहा था ना, दूसरा रूम में क्यों आए, और इसलिए। इसमें मैंने चीनी नमक सब खोल के नींबू डाल के रख दिया था। थैंक यू। और यहाँ पे ठंडा पानी मिक्स करके पी लो, और देख लो चीनी और सॉल्ट देख लो, उसके बाद अगर कमती हुआ तो डाल देंगे। मुझे इसका जरूरत था बहुत। पता है मेरे रूप देख के ही मुझे पता चला कि आप आके बोलोगे कि बेबी नींबू पानी बना दो, तो मैंने टाइम लगेगा क्योंकि इसका शुगर अभी भी नीचे है। बहुत पहले ही मैंने करके रखा, बहुत पहले मतलब 10-15 मिनट पहले मैंने रखा है। वो मेरा ऑलमोस्ट लौकी का सब्जी बन गया है, इसको मैं थोड़ा सा सूखा टाइप का बना रही हूँ। ये देखिए सूखा ऑलमोस्ट बन ही गया, थोड़ा सा ऑयल छोड़ देने के, लास्ट में ऑयल छोड़ेगा, उसके बाद मैं उसको बंद कर दूंगी। उसके बाद मैं ये कट के रखा भिंडी, और अभी बिकू ने वो लाया आलू लाया, उसको भी काटना बाकी है, उसको काट के आलू भिंडी का भाजी बना दूंगी। अच्छा आप मैंने इसको भी धो रहे हो, ये धोता है क्या? इसको धो रहा हूँ, ये थोड़ा सा चिपकू चिपक रहा था, मतलब इसमें शायद ऑयल लग गया है। सिलीफ्लेक्स बनाने के लिए, क्योंकि कोई साइनीज खाना हो सिलीफ्लेक्स का इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी बना के रख दूँगी, इसको थोड़ा गर्म कर लूँगी। ये सभी छोटा मोटा काम रह जाता है अगर घर का, लेकिन कर लेने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है बाद में। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन बाद में ईजी रह जाता है हर काम, ये सब अगर आप करके रख दोगे तो। थोड़ा सा सिली फ्लेक्स और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर बना दूंगी, अपने ही बना लेते क्यों खरीदना है। वैसे थोड़ा सा इस बार मैंने रेड चिली खरीदा ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतना रेड चिली पाउडर मतलब जो मिर्चा वाला होता है रेड चिली वो यूज़ नहीं करते हम लोग, जस्ट काश्मीरी वाला थोड़ा यूज़ करते हैं, ला के रख देते हैं कभी कभार सब्जी वब्जी में, नॉन वेज हो सब्जी वब्जी में यूज़ कर लेते हैं। मिर्चा तो हम लोग हरा मिर्चा ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, पेट के लिए हरा मिर्चा सही रहता है। रेड चिली पाउडर आप अगर तीखा वाला रेड चिली पाउडर यूज़ करोगे तो पेट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, गर्म हो जाता है। और ये देखिए थोड़ा सा भिंडी सॉफ्ट हो गया, अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज।
ऐसे करके तोड़ के प्याज डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी, मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। और इसमें क्या होगा, जब हम लोग खाएंगे प्याज भी, प्याज ज़्यादा अच्छे से गलेगा नहीं, बस सॉफ्ट हो जाएगा, तब और ज़्यादा भिंडी का भाजी में अच्छा लगता है, भिंडी आलू का भाजी में। अभी इसको थोड़ा सा और 7-8 मिनट के लिए कुक करना है। और मैं दूसरे साइड में राइस उठा देती हूँ और जो रेड चिली अभी मैंने रेडी किया उसको भी थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद ही मैं इसको ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लूँगी, उसको और थोड़ा सा कुक करना है। तो फिर नहा धोने के बाद मैं ये काम ख़त्म कर लूँगी। तो अभी सब कुछ हो गया, अभी मैं नहा के थोड़ा इंसान बन के आती हूँ, देखिए ना हालत मेरा। तो मिलते, तो मैं नहा के आ गई, देखिए। तो अभी कारण भी आ गया, ये सब मैं मिर्चा विर्चा का काम बाद में कर लूँगी, बहुत भूख लग रही है। अब बिकू को मैंने बोला खाना खा लेते हैं, तो बोला कि मैंने नहाए तक नहीं, कहाँ से खाना खाऊँगा, और मुझे एक दो फ़ोन में भी बात करना है, तुम खाना खा लो बोले। लंच के बाद और मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि बहुत थक गई थी, खाना वाना खाने के बाद और ज़्यादा थकावट हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, खाना खाने के बाद ब्लॉग एडिट में लग गए, जो कल का ब्लॉग था वो एडिट हुआ ही नहीं था, तो वो ब्लॉग एडिट कर लिया, उसके बाद अपलोड किया, रेसिपी अपलोड किया। उसके बाद आज का जो मॉर्निंग से ब्लॉग है वो भी मैंने आधा एडिट करके रखा क्योंकि टाइम नहीं भी मिल सकता है कल, क्योंकि कल और फिर घर का काम होगा ये सब, तो वहाँ पे भी मैं बिजी रहूँगी। उसके बाद बस अभी शाम हो गया, अभी चाय भर पियेंगे। और जो दिन में अधूरा रह गया था, कारण था आपका लाइट चला गया था, तो अगर लाइट गया नहीं होता तो फिर ये मिर्ची वाला काम भी मेरा हो जाता। तो मिर्ची वाला काम मैं अभी कर लेती हूँ, उसके बाद चाय भर कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं। और देखिए ना, वो काम तब अगर लाइट होता तो तभी कंप्लीट हो जाता, अभी लाइट के कारण वो इवनिंग तक रह गया। और ब्लॉग एडिट वेडिट का बहुत काम रहता है, रेसिपी का एडिट का हो, उसके बाद आपका ब्लॉग एडिट का हो, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वही वो सब करते करते मेरा शाम हो गया, एकदम ट्रस्ट करिए मैं बिस्तर पर लेती भी नहीं, क्योंकि बिस्तर पर अगर मैं लेट गई तो नींद टाइप का आ जाएगा और मुझे आलस लग जाएगा। तो मैं एकदम बैठ के, चेयर में बैठ के एडिट किया, बस अभी कंप्लीट करके जस्ट आई हूँ मुँह हाथ धो के, तो अभी ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने इसको पीस लिया, अभी मैं सिली फ्लेक्स वाला, ये देखिए मैंने सिली फ्लेक्स ख़रीदा था, ये डब्बा खाली हो गया, तो इसमें मैं भरा के रख दूँगी, बस इस ये काम में आ जाता है मेरा। घर पे मिक्सी में पीसने से थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पीस जाता है, जो भी हो काम चल जाता है मेरा। देखिए सिली फ्लेक्स वाला डब्बा रेडी। ये क्या ब्रांड नहीं है, ये नाज ब्रांड है। ये नाज का सिली फ्लेक्स ब्रांड है। अभी मैं बाकी का जो बसा हुआ है ये मैं रेड चिली पाउडर बना के रख दूँगी, संभाल के हाथ वाथ धोना होगा, नहीं तो आँख में अगर हाथ चला गया ना बहुत खतरनाक जलेगा। तो मैं ये कर लेती हूँ फ्रेंड्स,
ये देखिए मेरा नाक में पूरा लग गया, ये पाउडर बना दिया मैंने, इसको भी स्टोर करके रख दूंगी। बाप रे, मैं फटाफट कर लेती हूँ इसको। मेरा इस साइड में ये पोर्शन बहुत जल रहा है, ये नाक से, ये क्योंकि मैंने हाथ से टच भी नहीं किया, अभी मैंने हाथ धोया अच्छे से, उसके बाद भी ये यहाँ पे बहुत जल रहा है। तो कॉफ़ी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सर दर्द हो रहे दोनों का। मैंने आप लोगों को बोला था जो ये वाला कप कॉफी मग दिया है यू आर माय हार्ट, ये वाला मग दिया है, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, व्हाइट में पर्पल। बस कॉफी रेडी, बीकू को थोड़ा सा ऊपर से चाहिए होता है। बिक्रू को ऐसे ऊपर में चाहिए होता है तब उनको लगता है कि कॉफ़ी पिया है, ऐसे ऊपर ऊपर में ऐसे चाहिए, हमको नहीं चाहिए, चल जाता है। बस कॉफ़ी रेडी। और इनको देखिए, आप लोगों के सामने ही मैंने कितना सारा कॉफ़ी डाला था, और उसके बाद भी देखिए कितना सारा मैंने आप पहले कितना सारा दिया, उसके बाद उसको मिक्स किया, उसके बाद ऊपर से आपको अच्छा लगता है, ऊपर से भी मैंने कॉफी डाला था, ठीक है। मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गैस हो जाता है ना बाबा ज्यादा कॉफी लेने से, नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला लौकी का भाजी है, उसके बाद भिंडी और आलू का भी भाजी है, अभी मैं बस आटा लगा के रख दूंगी, उसके बाद जब बिकू बोलेंगे कि खाना खाना है तो बना देंगे। खाना खाना आटा लगा के रखने से सॉफ्ट ज़्यादा होता है, रोटी अच्छा बनता है, इसलिए मैं आटा को लगा के रख दूंगी, और जब बिकू बोलेंगे कि खाना खाना है रोटी बना दो, फिर मैं बना दूंगी रोटी। ये सब काम करके रखने से थोड़ा इजी हो जाता है। और अभी मुझे ये शाम का टाइम मुझे फ्री चाहिए होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम का टाइम, मुझे एकदम किचन में आने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं जितना हो सके काम सब खत्म करके रख देती हूँ। तो बस इसको मैंने ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो ये है मेरा आज मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग, तो देखते हैं कल का ब्लॉग, जरूर देखिएगा, सपोर्ट करिए मेरी ब्लॉग को, देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्राई करती हूँ मॉर्निंग से, अगर ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,